नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ए, दैट मींस की ऑब्जेक्टिव बेस्ड। मैंने लाइक डायमंड क्वेश्चन निकाल के रख दिए। ओके, क्वेश्चन वो में पूछे गए हैं वो है ऑलमोस्ट 2015 या 16 से लेकर 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स ठीक है पूछे गए हैं बोर्ड में, वो सारे मैंने यहाँ पे रख दिए ताकि आपका पीवाई भी क्लियर हो जाए, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर कवर अप हो जाए, और कुछ मुझे एडिशनल लगा तो वो मैंने डाल दिया है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, और देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या कॉन्सेप्ट है इनके पीछे। तो जैसे आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन आपको दिख रहा है मैच द फॉलोइंग है। अब मैच द फॉलोइंग नाउ कौन किसका मैच करेगा वो मैं यहाँ पे आंसर लिखती जाऊंगी। ठीक है, ताना रिगी फेस्टिवल। अब ताना रिगी जो है वो बेसिकली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वड़नगर में। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एफ। ओके, कुचिपुरी। कुचिपुरी कहाँ का डांस है बेटा? आंध्र प्रदेश का। ओके, तो क्या हो गया? टू का सी। राइनो विजन। अब राइनो विजन साफ साफ राइनो प्रोजेक्ट ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो थ्री का क्या हो गया? ई। मिक्का, ठीक है, मिक्का जो है वो कहाँ पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है, तो फोर का ए। ओके, एयर पॉल्यूशन एक्ट जो है वो कब आया था? वो आया था 1981 में। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से? चलो शाबाश, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है हमें इसके अंदर। ओके, तो क्या है? द स्टोन इंस्क्रिप्शन पिलर एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, सारनाथ में जो पिलर है, ठीक है, उसके अंदर जो स्टोन के अंदर जो इंस्क्रिप्शन किया हुआ है वो बेस्ट स्पेसिमेन है, मतलब कि एविडेंस है स्कल्पचर का। तो जी हाँ, ये आंसर है ट्रू। ओके, द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन तमिल लैंग्वेज। जी नहीं, फॉल्स। ठीक है, किसमें लिखा हुआ था? पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ओके, तमिल में नहीं था। फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी विद रेस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्सेशन एंड पब्लिक लोन पॉलिसी। ओके, तो यस, ये सही है। फिस्कल पॉलिसी मतलब कि एक साल की जो पॉलिसी होती है, जैसे लाइक एनुअल ईयर। ठीक है, तो वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा एनुअल ईयर गवर्नमेंट का होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्सेशन कितना लगाना है, वो पूरा बजट, जिसको हम बजट नॉर्मली कहते हैं, ठीक है, वो पूरा तैयार करती है। 1975 वाज सेलिब्रेटेड एज अ वुमन एम्पावरमेंट ईयर। ओके, यस ट्रू। ओके, अगर आपसे डेट पूछते हैं तो कब से होता है? 8 मार्च 1975। ठीक है, ये उसका कंप्लीट डेट है। कम्युनलिज्म इज अ हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड नेशन। सीधी सी बात है, ठीक है, जहां पर भी जात लाइक जाति के ऊपर भेदभाव होगा तो वहां पे प्रोग्रेस तो रुकावट रहेगी ना। ठीक है, तो आंसर इज ट्रू। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन डैश ईयर। ठीक है, तो कौन से ईयर में ये हुआ था? 1972 में ये स्टार्ट हो गया था। सलारजंग म्यूजियम इज एट डैश सिटी। कौन से सिटी में है ये? हैदराबाद में। इन सेकंड सेंचुरी द फेमस ग्रांड एनिकट कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस डैश रिवर। किस रिवर के वहां पे बनाया गया था? सेकंड सेंचुरी में, कावेरी। एग्रीकल्चर बाय पॉन्ड्स इज अ प्रैक्टिस्ड मोर इन डैश स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इरीगेशन बाय पॉन्ड्स। ठीक है, पॉन्ड से इरीगेशन जो है वो ज्यादातर कौन से एरिया में एप्लीकेबल किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ईस्ट एंड साउथ स्टेट ऑफ इंडिया में। ठीक है, नाउ द रेल रूट बिटवीन द दिबर्ग एंड कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया विच इज नोन एज द विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। समझ आया इतना अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ओके, करेक्ट ऑप्शन बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इंडिया प्रूव्ड द फीलिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम इन द वर्ल्ड। हाँ, ये तो हमारे तो नाम ही है इसमें। ओके, काफी हम फेमस हो चुके हैं। अभी टर्की में जो भूकंप आया था उस दौरान इंडिया ने जो है वो काफी हेल्प की टर्की को, और वहां पर फिर से ये हुआ कि हम जो है वी आर लाइक वासुदेव कुटुंबकम, लाइक द होल वर्ल्ड इज द होम। ओके, उस चीज को मानते हैं।
आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट द लेसन ऑफ कंपैशन एंड ब्रदरहुड टू द वर्ल्ड. स्वामी विवेकानंद, ये उनका स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है. इंडियन हु बिलीव्ड इन टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड इवन वेलकम डच एंड ब्रिटिशर्स. इसके लिए तो हमने उनको किया था. हाँ सही बात है, ठीक है ना. हम लोग जो है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड में मानते हैं, ठीक है, भाईचारा, सब भाई भाई हैं. तो इसके लिए तो डच और ब्रिटिशर्स को हम लोगों ने हमारे इंडिया में एंट्री दी थी. डी, एशियन इंडिया टॉर्च बियरर्स स्ट्रेस अपॉन इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ इंडिया. जो पुराने जो ऐतिहासिक लोग हैं, ठीक है, वो ज्यादातर इकोनॉमिक यूनिटी में बात करते थे. नहीं, गलत है, ठीक है, वो बात करते थे कॉम्युनल. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. कॉम्युनल और विच वी कुड से कल्चरल, कल्चरल यूनिटी. नाउ कनेक्ट द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विद द बेनिफिशियरी स्टेट्स एंड द ऑल करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, अब देखो क्या है इसके अंदर. नाउ बाखरा नागल, ठीक है, बाखरा नागल जो है वो पंजाब में है. ओके, फिर कोसी, ठीक है, कोसी नदी जो है वो बिहार से आती है. उसके बाद हम लोग कहेंगे यहाँ पर नागार्जुन सागर, ठीक है, वो कहाँ से रहेगा, वो रहेगा आंध्र प्रदेश और नर्मदा गुजरात. तो सी, ओके, तो ऑप्शन देखो बी आ गया. ओके, सो बाखरा नागल जो है वो कहाँ पे रहेगा, पंजाब. ओके, कोसी जो रहेगी वो, कोसी नदी कहाँ से बहती है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बिहार. ओके, नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश और नर्मदा नदी गुजरात. डन, चलिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर. धारोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर. ठीक है, किस रिवर पे ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया गया, दैट इज साबरमती. इकोनॉमिकली इंडिया इज विच टाइप ऑफ कंट्री. अभी भी हम लोग डेवलपिंग कर रहे हैं, वी आर नॉट डेवलप्ड, पुअर ऑफ एक्वर्ड, तो उससे हम काफी आगे आ चुके हैं. डेवलपिंग कंट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सर्विसेज इज नॉट रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर. ठीक है, सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, इट्स अ टर्शियरी सेक्टर, जहाँ पे जो इंसान होता है वो किसी को सर्विस देता है, लाइक टीचिंग, डॉक्टर. ठीक है, ये सारे प्रोफेशन सर्विस होते हैं. हेल्थ, कम्युनिकेशन. अब माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खुदाई करना, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ठीक है, जहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह हो जाती है. तो इसके लिए डी जो है वो सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग एसेंट टू एवरेस्ट विच पीपल वर्क एज अ लेबरर्स टू कैरी गुड्स ऑफ द माउंटेनर्स. ठीक है, तो उनको हम लोग कौन से कहते हैं, भोटिया पीपल. ओके, मैंने नीचे आंसर स्टेटमेंट पर लिखा हुआ है, देयर पीपल आर नोन एज अ भोटिया पीपल. विच इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ गुजरात, अहमदाबाद. सीधी सी बात है. विच कंट्रीज हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द मार्केट सिस्टम. ठीक है, मार्केट सिस्टम से कौन सी कंट्रीज, तो अमेरिका, जापान, ये कंट्रीज है जिन्होंने मार्केट सिस्टम से इकोनॉमिक को डेवलप किया है. प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल पिन टू जाइजेंटिक मशीन्स इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर. ठीक है, अब आप सोच लो मशीन्स आगे मतलब की इंडस्ट्री आगे, इंडस्ट्री मतलब की सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर. डन, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग. ओके, अब बात करते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग में. अंबाजी, ठीक है, तो अंबाजी जो है वो कहाँ का है. ओके, अंबाजी इज द भदरवी पूनम फेयर. फिर गिरनार जो है वो भवनाथ फेयर. ये आपको टेक्स्ट में सारे फेयर्स दिए हुए हैं. ठीक है, ढोलका जो है वो वोथा फेयर, वोथा फेयर. ओके, सूरत इज फेमस फॉर द जरी वर्क. ओके, एंड पाटन इज फेमस फॉर, इज फेमस फॉर द वल्लभी यूनिवर्सिटी. अभी तो खैर वो नहीं है, पहले थी. ओके, क्लियर. चलिए तो मैं यहाँ पे लिख दूं. ओके, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का ई, ओके, फोर्थ का सी और फिफ्थ का बी. चलिए, आचार्य नागार्जुन लर्न बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. सही है. जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज आर नोन एज इजी अवेलेबल रिसोर्सेज. ठीक है, आपको आसानी से मिल जाता है, उसको तुम जनरली कहते हैं. सही है. रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. बिल्कुल, अगर रेन नहीं आएगी तो नदियां तो एक दिन सूखी जाने वाली है. लेबर इज अ नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फॉल्स, इट इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, टेररिज्म इज जस्ट अ नेशनल प्रॉब्लम. नहीं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है. ठीक है, पूरे दुनिया भर की यही समस्या है टेररिज्म. तो ये फॉल्स. ओके,
नाउ इलेवेंथ, डैश बुक इज रिटन बाय द महर्षि चारक. ठीक है, महर्षि चारक. अब चारक आया तो पीछे देखो चारक संहिता है जी. एलिफेंटा केव्स आर सिचुएटेड इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया. एलिफेंटा केव्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है. डैश स्टेट गेट्स मैक्सिमम सोलर एनर्जी इन इंडिया. गुजरात. डैश इज मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, डेवलपिंग कंट्री के लिए मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर ही तो होता है. डैश कंट्री हैज अ लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, नाइगर. नाइगर बोलो, नाइजीरिया बोलो या साउथ अफ्रीका बोलो, तीनों उसमें आ जाते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट नॉर्वे है, याद करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एमसीक्यूज. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ये ऊपर वाला रिपीट हुआ है, तो बेसिकली मैंने ये कंसेक्यूटिव पेपर्स में से लिया है. ठीक है, तो अभी जो हमने देखा ना वो सेम क्वेश्चन उसके नेक्स्ट ईयर ही पेपर में रिपीट हुआ था, तो ये वाला भी अभी हमने किया ना, ये डी सेक्शन. ठीक है, नाउ विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वैली एंड स्लोपी रीजंस ऑफ हिमालयस एट एन एल्टीट्यूड. ठीक है, पूरा ग्रीक नहीं जरूरत है. अब हिमालय हो गया, हिमालय कैसा है बेटा? माउंटेनियस एरिया है. ठीक है, तो वहां पर टाइप ऑफ सॉइल भी कैसी होगी? माउंटेन होगी, तो बी ऑप्शन. ओके, नाउ बच्चों 18 क्या कह रहा है? कनेक्ट द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स विद द बेनिफिशियरी स्टेट्स. ठीक है, तो अब अभी अभी हमने देखा है यहाँ पर. ओके, कोसी नदी जो है वो कहाँ से है? बिहार से. ओके, बांकरा नागल पंजाब. ओके, नागार्जुन आंध्र प्रदेश और नर्मदा गुजरात. ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड जो है वो क्वेश्चन रिपीट करता है. ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया? बी. नाउ When was the World Trade Organization established? ठीक है, कब established हुआ था ये? First January 1995. Okay. Then Naxalist movement in India was originated in which village of West Bengal? West Bengal में जो नाम है village का, उसका नाम है नक्सलबरी. ठीक है, वहीं से ही Naxalist movement जो है वो originate हुआ था. चलिए, now where do the ropeways located in Gujarat? Pavagarh, Ambaji, सापुतारा. ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज अ लोवेस्ट पॉवर्टी रेट? गोवा जो है वो सबसे कम है पॉवर्टी रेट में. व्हेन इज अ वर्ल्ड एल्डरली डे सेलिब्रेटेड? 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है. द फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस 1972 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ स्वीडन? ठीक है, स्टॉकहोम. वहां पे ओरिजिनेट हुआ था या ऑर्गेनाइज हुआ था पहली बार. चलिए चलते हैं फिर से. फिलिंग द मैच द फॉलोइंग. नाउ द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पर है? द्वारका में है. ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया सी. ओके, इनले वर्क जो है वो कहाँ का फेमस है? बीकानेर का, राजस्थान. तो सेकंड का हो गया डी. ओके, जरी वर्क सूरत तो थ्री का हो गया ई. ओके, रेड फोर्ट कहाँ पर है? बट ऑब्वियसली दिल्ली में है, तो फोर का हो गया ए. ओके, आड़ी खड़ी स्टेप वेल वो कहां पर है? वो है जूनागढ़ में, तो फाइव का हो गया बी. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द ट्रू एंड फॉल्स. ओके, क्या कह रहा है? इन ब्लैक सॉइल व्हेन द मॉइस्चर ड्राइज अप, ओके, दे डेवलप फिशरीज. पहली बात तो ब्लैक सॉइल में कोई मॉइस्चर ड्राई होता ही नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए आंसर है फॉल्स. ओके, नेक्स्ट, राजा कृष्ण देवरारी द किंग ऑफ विजयनगर वॉज हिंदी एंड संस्कृत लिटरेचर राइटर. फॉल्स. ठीक है, वो जो थे वो संस्कृत, हिंदी नहीं था, तमिल था. तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया. ठीक है, स्पेशली तमिल एंड संस्कृत पे ज्यादा उनका फेमस था. इंडस्ट्रीज विच यूज मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल आर नोन एज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, सीधी सी बात है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नॉट अ मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. बिल्कुल ठीक है. अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि पॉपुलेशन ही सिर्फ मेन रीजन नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का. ओके, देखो बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल है. उतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं हो. ठीक है, यहाँ कभी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो देर आर मेनी फैक्टर्स. तो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ना ही ठीक है एक ऑप्शन नहीं है. देन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमन 108 अभियान वुमन हेल्पलाइन हैज बीन स्टार्टेड. फॉल्स. 108 नहीं है. ओके, 108 तो एम्बुलेंस होता है ना. ठीक है, ये कितना है? 181 है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. हु वॉज द ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन? ठीक है, संस्कृत का ग्रामर सबसे ज्यादा किसने बताया था? पाणिनि. व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या होता है? ठीक है, तो इट इज द नेचुरल
प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है इन विच टॉप सॉइल ऑफ अ फील्ड इज कैरिड अवे बाय वाटर विंड, ठीक है, वाटर विंड, इनसे जो है वो ऊपर की जो न्यूट्रिशियस परत होती है वो चली जाती है, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। इन विच रीजन्स ऑफ इंडिया डेजर्ट सॉइल इज फाउंड, ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा। देखो डेजर्ट है तो ऊपर की तरफ हरियाणा आ जाता है, ठीक है, राजस्थान आता है, पर राजस्थान में कौन सा पोर्शन आता है, वेस्टर्न पोर्शन, वहां पे ज्यादा रहता है, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, पंजाब में हो जाएगा और गुजरात में भी होता है, बट कौन सा है वो, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। इन विच ईयर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, पीडीएस सिस्टम जो है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, वो हुआ था जून 1997। चलिए नेक्स्ट, डच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ आर्यन और द लैंग्वेज ऑफ सेजेस, ठीक है, दैट इज द कौन सी संस्कृतों की, स्कॉलर्स की, संस्कृत संस्कृत की लैंग्वेज होती है। द स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट नालंद इज 7.5 फीट हाई, ठीक है। फॉर वेजिटेरियन पीपल पल्सिस इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, दालों से ही तो अपन को प्रोटीन मिलती है। नोबल प्राइज विनर द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन डैश हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अमर्त्या सेन। ओके, डैश मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967 इन वेस्ट बंगाल। देखो फिर से वेस्ट बंगाल आ गया, तो वेस्ट बंगाल आ जाए तो समझ लो नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट, क्या कह रहा है अभी ये कह रहा है कि आपको फेयर्स दिए हुए गुजरात के, ठीक है, और सामने प्लेसेस दिए हुए, तो फेयर बताओ कि कौन किसके साथ होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ फाल्गुन महीना, द इन द मंथ ऑफ फाल्गुन, अभी जो चल रहा है ना, दैट इज अ फाल्गुन, होली, होली इज द लास्ट, ओके, ये लास्ट होता है इस मंथ का फेस्टिवल, तो ये है आपके पास बी ऑप्शन। ओके, गोल गरेड़ा फेयर, कार्तिक पूर्णिमा और भंगुरिया फेयर, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द केव ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो, ये केव जो है वो एलिफेंटा केव है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। देन ओके, कॉटन, शुगर, जूट एंड टोबेको, रबर इंडस्ट्री, और विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको हम कहते हैं कैश क्रॉप्स। ओके, देखो बेवरेजेस तो है नहीं, ओके, जूट से कोई आपको जूस नहीं मिलता, ऑयल सीड्स भी नहीं है, टोबेको थोड़ी ऑयल सीड्स देगा, रबर थोड़ी ऑयल देगा, ठीक है, ये स्पीशीज भी, सॉरी स्पाइसेस भी नहीं है, तो क्या हो गया, कैश क्रॉप हो गया। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री हुज मेजर सेंटर्स आर गिवन इन द मैप, ठीक है, मैप में आपको दिए हुए हैं ये पूरे पोर्शन, देखो बोकारो आ गया, ठीक है, दुर्गापुर आ गया, भिलाई आ गया, तो ये जो है वो जो आपको एरिया दिए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको कौन सी आपको मिले मिलने वाला है इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये इंडस्ट्री आपको कौन सी मिलेगी, दैट इज द जूट टेक्सटाइल, ठीक है। ओके, अब फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया, क्या है बेटा इसके अंदर, भवनाथ फेयर, ये कहाँ पे आता है, जूनागढ़, तो फर्स्ट का बी हो गया। ओके, पादर डांस, पादर पादर जो डांस है, ठीक है, वो मनाई जाती है सुरेंद्र नगर। ओके, एंड मालव लेक, मालव लेक जो है वो है ढोलका में। डन, स्टेट, वेदर द स्टेट में ट्रू एंड फॉल्स, द इंडियन नेशनल सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इज हेल्पफुल ओनली इन द फोरकास्ट ऑफ वेदर एंड साइक्लोन, ठीक है, ठीक है, जिसको हम इनसेट कहते हैं ना, ठीक है, ये जो है इसे इसे बहुत सारे होते हैं, बट इसमें स्टार्टिंग जो है वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आंसर इज ट्रू। लेट अस गेट गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशंस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इज द मैसेज ऑफ उपनिषद, ठीक है, तो क्या ये मैसेज उपनिषद का है, नहीं, फॉल्स, ये मैसेज जो है वो ऋग्वेदा का है। डिफोरेस्टेशन कैन बी सेड टू बी द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन, जब फॉरेस्ट कट जाएगा तो हमारा प्रोग्रेस क्या खाक होगा, फॉल्स, ठीक है, यही पता चल गया। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिजॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो कौन रिजोल्व करता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अ मर्चेंट फ्रॉम कोलकाता ऑर्डर अनियन फ्रॉम कराची, ठीक है, कोलकाता का बंदा जो है वो कराची से अनियन को ऑर्डर कर रहा है, विच टाइप ऑफ ट्रेड, अब कराची पाकिस्तान में है और कोलकाता इंडिया में है, तो दो अलग अलग कंट्रीज हो गई, तो ये कैसा हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है।
for the growth and development of non-conventional energy resources, which organization Gujarat is functional in the field of solar energy? ठीक है, तो वो है GERDA. That means Gujarat Energy Development Agency. Okay, चलिए next. The state has the least area under irrigation. ठीक है, irrigation में सबसे कम area किसका है? मिजोरम का है. Dash is not mentioned as a way of achieving salvation in Srimad Bhagavad Gita. ठीक है, कौन सा तरीका है जिसमें आपको सेल्वेशन नहीं मिलेगा? तो ये है योगा. ओके, भक्ति से मिलता है. ओके, कर्मा से मिलता है. नाउ इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स हाउसेस आर इंक्लूडेड इन द डैश फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. ठीक, इसमें देखो आप चीजें खरीद रहे हो, ये वो, तो आप अपना पैसा लगा रहे हो ना, तो दैट इज कैपिटल. ओके, तो कैपिटल आ जाता है इसके अंदर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव द लोगो, गिवन लोगो, तो ये जो है वो लोगो है बिस का. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोस नियर द मॉन्यूमेंट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है. अ गर्ल इन इज ऑन हर वे अलोन, सम पर्संस विद एंटी सोशल टेंडेंसी ट्राइज टू हरेस हर विद इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग. ठीक है, तो कुछ लोग उसको परेशान कर रहे हैं, तो कौन सा नंबर वो डायल कर सकती है फॉर द हेल्प? अब ये गर्ल है, मतलब वुमेन आ गया, तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 181. In a classroom, a teacher discusses about the steps taken by the government for safety and security of elderly people. ठीक है, तो जो बुड्ढे citizenship, जो citizens होते हैं, okay, जो aged होते हैं, तो उनके लिए government ने क्या क्या security जो है वो बताई हुई है. अब कुछ बच्चों का अपना अपना opinion है, अपने दिया हुआ है, तो किस बच्चे ने गलत बताया है वो मैं निकालना है. तो जैक कह रहा है कि एल्डरली पीपल आर गिवन मोर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय देम इन द बैंक और पोस्ट ऑफिस. ये सही बात है. ठीक है, उनको ज्यादा मिल जाता है. झिल कह रहा है कि ओल्ड एज होम विद ग्रैंड फैसिलिटीज आर ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, किसी के समझो बच्चे जो है गुजर जाते हैं, उनका कोई होता नहीं है, तो वो इस तरीके से ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में जा सकते हैं. और गवर्नमेंट ने कहा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए. डेबिट एल्डरली पीपल आर गिवन पेंशन अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ सीनियर सिटीजन्स ऑफ 1899. अब डेबिट सही तो है, ठीक है, उनको पेंशन तो मिलता है, बट ये जो डेबिट ने जो ये ईयर बताया ना, वो ईयर बेटा गलत है. ठीक है, ये ईयर है 1999 और उस बच्चे ने 1899 बताया, तो इसके लिए डेबिट का स्टेटमेंट जो है वो गलत है. ओके, बाकी मेल फीमेल को 50% डिस्काउंट कंसेशन वगैरह मिलता ही है सीनियर सिटीजन्स को. Now, which of the following is incorrectly matched? ठीक है, अब कौन सी चीज जो है वो नहीं है. देखो सिद्धपुर रुद्र महाले है, वहां पे अहमदाबाद सिद्धी सैयद की जाली वो है, पाटन शास्त्री लिंगा लेक है, चंपाने, ठीक है, चंपाने में टॉम्ब ऑफ मोहम्मद मोहब्बत खान, ये नहीं है. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है. ओके, नेक्स्ट, which of the tribe came to India from North China via Tibet and settled down in North Assam, Sikkim, Bhutan and West Bengal? तो वो है, okay, Mongoloid. When is the World Yoga Day celebrated? 21st June, schools में celebrate किया जाता है. Next question, okay, find out the art from the characteristics given below. अब कौन से art की बात हो रही है? ये है that it provides education along with entertainment. ठीक है, entertainment भी देता है साथ साथ education भी देता है. इट एनकरेज द सोलंकी पीरियड, सोलंकी डायनेस्टी को काफी वो लेके आता है अपने ड्रामास वगैरह में, जो भी है. ठीक है, द थीम इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस. ठीक है, इसके अंदर जो भी सोशली एविल प्रैक्टिसेस होती है उसके अगेंस्ट भी है. जो मेन कैरेक्टर है वो रंगला रंगली. ठीक है, अब रंगला रंगली से याद कर लो ये कौन सा होगा? भवाई. ओके, ये भवाई है. चलिए नेक्स्ट, वट इज द अदर वर्ड फॉर आर्किटेक्चर यूज इन संस्कृत लैंग्वेज? वास्तु. वास्तु कहते हैं ना हम लोग. What is a room with pillars in a mosque known as Levan? ठीक है? Okay. Next, which of the following temple has 13-storied Gopura? Sun Temple of Konark में 13-storied है. ठीक? Which work of the poet Chandar Badai is considered to be the earliest work in Hindi literature? ये जो है वो पृथ्वीराज रसो. ठीक है, जो चंद्र बधाई थे ना, वो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी लिटरेचर में उन्होंने जो लिखा था वो पृथ्वी राज रसो. पृथ्वीराज जो थे उनकी पूरी जीवनी की रचना की थी
उसमें हिंदी लैंग्वेज में, और वो ही पूरा पोयम में, बहुत बहुत अच्छा था वो। चलिए नेक्स्ट। ओके नाउ मेज द फॉलोइंग में क्या क्या है। जैसे मुझे पता है अब्दुल फजल ने बताया था, ओके, एन ए अकबरी वो किताब उन्होंने लिखी थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो दूसरा जो है दैट इज कौतल्य, की कौतल्य जी ने अर्थशास्त्र लिखा था। ओके, फर्स्ट का डी और थर्ड का सी, फर्स्ट का डी और थर्ड का बी, ये वाला बी ऑप्शन आएगा ना, ठीक है, फर्स्ट का डी। सेकंड जो है पनीनी, उसका आ गया आपको अष्टदया, ठीक है, और जो जया देवा है उन्होंने जो किताब लिखी थी वो गीत गोविंदा। ओके, फोर्थ का सी, डन। चलिए नेक्स्ट। विच एशियंट एंड फेमस यूनिवर्सिटी वॉज विजिटेड बाय द ट्रेवलर हुन संग, ठीक है, हुन संग ने कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वहां पे उन्होंने विजिट किया था, तो दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्षा और सेल्वेशन थ्रू ज्ञान कर्मा भक्ति। पता अभी भी था कि किसमें नहीं था, तो भगवत गीता, ठीक है, तो पूछा है कौन सी बुक है, तो वो भगवत गीता है। व्हेन वाज द फोर्ट ऑफ आगरा बिल्ट बाय अकबर, ठीक है, तो वो हुआ था 1565 AD में। हाउ मेनी ऑफ द टेम्पल्स ऑफ खुजाराव एग्जिस्ट टू डेट, ठीक है, अभी भी जो है कितने टेम्पल्स हैं, वैसे बहुत सारे थे, 25 अभी भी एग्जिस्ट है, बाकी कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप वेल, ओके, स्टेप वेल जो कुआं होता है ना वो कौन कौन सा नहीं है, तो ये ताड़ा, ये जो है वो कुआं नहीं है। कुतुब मीनार इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन एंड मार्बल वर्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एंग्रेव्ड। अब देखो कुतुब मीनार है लाइक मुस्लिम कम्युनिटी, तो वो किसको मानते हैं, कुरान को मानते हैं ना, तो वही के ही लिखेंगे ना, तो इसके लिए क्या हो गया कुरान। वॉट हैज बीन द रीजन बिहाइंड द व्हाइट मार्बल ऑफ ताजमहल टर्निंग डल एंड पेल, ठीक है, वो दैट इज द एयर पॉल्यूशन, इसकी वजह से तो पूरा गंदा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट टू हॉर्स राइडिंग, ठीक है, हॉर्स राइडिंग मतलब क्या हो गया इसके अंदर, टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट में तो हॉर्स राइडिंग नहीं करोगे, जूट इंडस्ट्री में नहीं करने वाले, टेक्सटाइल में नहीं करने वाले, तो टूरिज्म में ही आता है ना, आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, घोड़े पे आप बैठते हो, आपको चक्कर लगवाते हैं, तो दैट इज टूरिज्म। इन विच ऑफ द नेशनल पार्क इज वन हॉर्न राइनो फाउंड, ओके, काजीरंगा। चलिए विच ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया हैज बिकम एक्सटिंक्ट, चीता, चीता स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। आइडेंटिफाई मी, ओके, कौन है आप, आई एम द स्टेपल फूड ऑफ आदिवासी पीपल इन हिली रीजन, आदिवासी पीपल का स्टेपल फूड तो नगली है ना, ठीक है, बस लिख दो, आगे रिटर्न की जरूरत भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट गोल्ड, ठीक है, दैट इज कॉटन, येलो गोल्ड जो हम पहनते हैं, ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम, व्हाइट गोल्ड कॉटन। ओके, विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन सीड्स, फिनल सीड्स और इसबगोल, ठीक है, फिनल वगैरह जो है मतलब सौंफ आ गया, क्यूमिन आ गया, ये गुजरात में बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैज बीन शोन गिवन ऑन द मैप, ठीक है, ये वाला है, ये यहाँ पर जो आता है वो आता है हीराकुंड। चलिए बात करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खेत तलावरी प्रेजेंट इन क्लासरूम ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशनल डिबेट, तो श्रद्धा कह रही है इट इज अ मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, और कहना कह रही इट इज इम्पोर्टेंट सोर्स टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, नहीं ऐसा नहीं है, खेत खेत आया, देखो ज्यादा रीड कर, खेत मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर, तलावरी मतलब क्या होता है तालाब, ठीक है, तो खेत के लिए एग्रीकल्चर के लिए तालाब बनाया गया है जहां से पानी वो ले सके, और तालाब में क्या होगा जो बारिश का पानी होगा वो हार्वेस्ट कर पाएंगे हम लोग, तो इसके लिए श्रद्धा ने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है, आगे रिटर्निंग की जरूरत नहीं है। इन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिया इज द प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन इज द हाइएस्ट, दैट इज पंजाब। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ONGC एंड टू द गवर्नमेंट, पवन हंस, ठीक है, ये स्पेशली उन्हीं को ही देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, NH7 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, NH44 है, पर NH44 में बहुत सारे जंक्शन एड होते हैं, ठीक है, और ये वन वे है NH7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर टू बी द प्रिंट मीडिया इन मास कम्युनिकेशन सिस्टम, हैंड बिल, बिल थोड़ी है, ठीक है, आपका मास कम्युनिकेशन बात करने का जरिया मैगजीन्स होता है, पेपर्स है, टेलीफोन तो अभी आ ही गए, मोबाइल, हैंड बिल इज नॉट द वन।
व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. आजकल तो क्या मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे ज्यादा चल रही है. ठीक. नेक्स्ट, द एफिशिएंटली कंबाइंस थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब तीन फैक्टर कैपिटल, लेबर और लैंड. ठीक है, वो कौन अच्छे से उसको उसका निचोड़ निकाल सकते हैं? एंटरप्रेन्योर. ओके, तो वो आ गया. विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो हम लोग करते हैं 5 जून. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर? डिफेंस. ठीक है, डिफेंस जो है वो गवर्नमेंट के अंडर रहता है, वो उस पर प्राइवेट कभी नहीं घुस सकता है. देखो कम्युनिकेशन में एयरटेल है, वोडाफोन है, सब आ गए ना प्राइवेट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करंट वगैरह प्राइवेट ही है. शुगर इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी है प्राइवेट. ओके, तो डिफेंस जो है वो प्राइवेट में नहीं आता है. द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, वर्ल्ड जब भी है तो ग्लोबल. What type of poor people who are not able to purchase the basic necessity of life at lowest market price rate? मतलब पैसा बहुत कम कर लिया, उसके बावजूद भी वो लोग जो अपना रोजाना लाइक दाल चावल कुछ खरीद ही नहीं पा रहे. ठीक है, बेसिक जो नेसेसिटी चाहिए जिंदगी जीने के लिए वो भी नहीं खरीद पा रहे, वो भी बहुत लोवेस्ट रेट पे, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पुअर. ठीक है, मतलब हाँ गरीब ही है वो. ओके, देन एन ऑनर ऑफ इंडस्ट्री हैज एम्प्लॉयड 10 लेबर्स मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, 10 मजदूर ज्यादा रख दिए उसकी जरूरत ही नहीं. इफ द 10 लेबर्स आर रिमूव फ्रॉम वर्क नो डिक्रीज इन रिकॉर्ड इन द प्रोडक्शन. ठीक है, अगर वो 10 लोग आप निकाल देते तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है. तो एक किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लेबर्स फेस कर रहे थे, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, कि उनकी जरूरत थी नहीं थी, वो काम कर रहे थे, वो निकाल भी उनको निकाल भी दिया तो फैक्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ा. तो वो क्या था, डिस्गाइज था, मतलब उनको लगा कि हमारा जरूरत है बट जरूरत नहीं था वहां पे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिसाइड्स टू रिड्यूस और इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ मनी. अब कौन सी बैंक है? सेंट्रल बैंक की तो होती है. सेंट्रल मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे RBI है. ओके, व्हाट डज पासा स्टैंड फॉर? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट. ठीक है, ओके. व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड? ये सेलिब्रेट किया जाता है 24th December. Which organization function is to develop food standard guidelines, code of practices, okay, for production and international trade in food, milk वगैरह में कौन organization help करता है? CAC. What does people resort to if there is speculation or rumor that prices are going to rise in future? ठीक है, अब like लोगों को अगर ये rumor आ जाता है कि future में या जो दाम है बढ़ जाएंगे ये, तो इसका मतलब क्या है, किस टाइप का मार्केटिंग है? दैट इज कॉल्ड द होर्डिंग. विच ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया फेयर्स बेटर HDI विद कंपेयर टू इंडिया? श्रीलंका. श्रीलंका बेटर रहता है. ओके, फ्रॉम विच आइडियोलॉजी इज द नक्सलाइज्ड मूवमेंट ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड? कार्ल मार्क्स. सॉरी, ये माओ सेट. हम ठीक है, ये चाइना में कुछ हुआ था उसके ऊपर से है ना. नेक्स्ट, इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द डैश पीरियड न्यूमरस मेटल आइडल्स वर मेड. ठीक है, तो कौन से ज्यादा पाए गए थे? चोला पीरियड में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिले थे. द फोर्ट ऑफ आगरा बिल्ट इन 1565 ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. शाहजहां ने अपने लास्ट दिन वहां पे बिताए थे. तो किसने बनाया था? वो अकबर ने बनाया था. इसके आगे वही क्वेश्चन था कि अकबर ने जो रेड फोर्ट बनाया था वो किस ईयर में बनाया था? 1565. ठीक है, नेम द ट्राइब विच वर्शिप ट्री रिवर सन. ठीक है, वो कौन थे? वो थे आर्यंस. बाय हूम इंडियंस आर एंडोर्ड विद द पेरिनियल रिवर स्ट्रीम, बिग फॉरेस्ट, होली प्लेसेस, ये सब हिमालय में आते हैं. ठीक है, फिर आता है फाइंड द प्लेस बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैप. ओके, क्या है? कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम. अब कैपिटल ऑफ विजयनगर, बाकी रीड करने की जरूरत ही नहीं है. ओके, ये हम्पी, वही तो मेन है. नेक्स्ट, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स. पोंगल, बिहू, ओनम, ओके, गंगोर आर अमंग देम. अरेंज दिस फेस्टिवल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, अब जैसे वेस्ट टू ईस्ट में किस तरीके से, जैसे आपको मैं बताऊं, ठीक है, ये हुआ, सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट है ना. ठीक है, ईस्ट वाला यहाँ पे हुआ आसाम. ठीक है, तो यहाँ से यू करके आपको वेस्ट की तरफ आना है. देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है आसाम. ओके, फिर नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे मिला केरला, यहाँ पे मिलेगा राजस्थान. तो आसाम, तमिलनाडु, केरला, राजस्थान. ओके, बी ऑप्शन. विच ज्योग्राफिकल फैक्टर डिसाइड्स द मैच्योरिटी ऑफ
सॉइल क्लाइमेट डिसाइड करता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स वाज डिसाइडेड बाय द मैन एंड रिजर्व रीजन ऑफ द यूनेस्को. मैन वहां पे इंसान भी है और रीजन रिजर्व भी है, तो दैट इज बायोस्फीयर रिजर्वर्स या रिजर्वर्स. विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर या फार्मिंग इज डन इन द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड इन द हिल्स ऑफ नीलगिरी एंड हिमालय. ओके, तो ये किस टाइप का होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा. ओके, नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड काउंसलिंग. एग्रीकल्चर आ गया तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ICAR. When we divide the national income with the number of people, तो we will get per capita income. ठीक है, समझो कि पूरे लाइक पूरे हिंदुस्तान की इनकम जो है वो 10 लाख है, समझ रहे, और टोटल जो लोग है वो 10,000 है, तो एक बंदे की कितनी इनकम होगी पता चल जाएगी, तो उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम. चलिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एट जिनेवा. ग्लोबलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. ठीक है, आगे, अंडर विच प्रोग्राम द गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट मनी बट ट्रेंड्स इन सच मैनर दैट पर्सन गेट एम्प्लॉयमेंट. इनमें से आपको बहुत से प्रोग्राम दिए हुए हैं, उनमें से कौन से प्रोग्राम में गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा नहीं देती है, उल्टा लोगों को जो है वो इस तरीके से ट्रेन करती है कि वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिले. ठीक है, तो वो होता है वेज बेस्ड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर 100 डेज तक जो है वो एक इंसान काम मिलेगा, वो जो वेजेस होते हैं पर डे के वो गवर्नमेंट डिसाइड करके रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि उनको कोई अनएम्प्लॉयमेंट ना फेस करना पड़े. ओके, The following steps are taken by the government for rehabilitation bill 1992 में निकाला था. Provision of 3% reservation government job में 3% का reservation को मिलेगा. 18 years तक की free education. अब देखो जो normal बच्चे होते हैं ना उनको 14 years तक का मिलता है, जो है वो 18 years, तो वो कौन है बच्चा, वो है disabled. ठीक है, जो disabled है उनको government जो है वो ये कुछ facilities देती है. So बच्चा जी, यहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया. आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. ठीक है, ये सारे बोर्ड के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, समझ सकते हैं कि बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है. तो ऑलमोस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से ही सारे क्वेश्चन उठा दिए, ताकि आपका PYQs भी पूरा रेडी हो जाए. गाला तो आप ऑलरेडी कर ही चुके होंगे, तो इसके लिए आपका सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर. अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंग्लिश और SS का, अभी वही 8 वीडियोस में डालती रहूंगी. तो आपको इंग्लिश में कुछ ग्रामर का भी है, तो वो ग्रामर का वीडियो बनाकर मैं वो भी अपलोड कर लूंगी. और आई नो फर्स्ट एग्जाम इज ऑफ इंग्लिश, तो मैं ट्राई करूंगी आपको इंग्लिश का मटेरियल ज्यादा प्रोवाइड करूँ. तो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा. टीचिंग अच्छी लगी, समझ आया जो भी मैंने किया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो, चैनल रिकमेंड कीजिए आपके फ्रेंड्स ग्रुप में. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे, बिकॉज आई नो योर फर्स्ट एग्जाम इज इंग्लिश और जो बहुत नजदीक है. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग. कुछ और सपोर्ट चाहिए मेरे यहाँ से, डू कमेंट मी. टिल देन बाय बाय, टेक केयर बच्चा.